What's up guys, this is Guru Maan. यह high blood pressure diet और यह हमारी meal number 3 मतलब lunch है और इसके अंदर हम ले रहे हैं किन्वा उसके साथ vegetables. किन्वा है और आप चाहें यहाँ पर किन्वा की जगह brown rice का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या add किया है, क्या किस तरह से मैंने बनाया है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं. Let's check out the recipe first. So, हमें यहाँ पर चाहिए सिलेंट्रो मतलब धनिया, उसके साथ हमें चाहिए थोड़ा चॉप्ड अनियन, चॉप्ड कैरेट्स, गाजर, यहाँ पर है ऑरेंज बेल पेपर, आप येलो भी ले सकते हैं या ग्रीन भी, हाफ लेमन, गार्लिक पाउडर, ऑलिव ऑयल, केचप, उसके साथ है मेरे पास ग्रीन पीस, मटर एंड क्रैनबेरीज. तो आपने देखा है किस तरह से मैंने बनाया, क्या क्या इसके लिए ऐड किया. आपको मालूम है किन्वा है, किन्वा अपने अलग से कुक करना है जैसे राइस कुक करते हैं, 10 मिनट के अंदर किन्वा तैयार हो जाता है. आप चाहे तो ब्राउन राइस ले सकते हैं, चाहे तो ओट्स भी ले सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, बल दोपहर को दलिया खा सकते हैं जैसे आपको मालूम है, और ज्वार का या बाजरे का डिपेंड करता है, इंडियन स्टाइल में आप बना सकते हैं. और उसके साथ वेजिटेबल्स मैंने अलग कुक की है. जब वेजिटेबल काफी बन जाए, 80-90% बन जाए, तब आपने वहां पर किन्वा जो बना है वो ऐड करना है, राइट. और वेजिटेबल में आपने देखा है कि मैंने यहाँ पर बेल पेपर का इस्तेमाल किया है, येलो का. आप चाहे रेड भी ले सकते हैं और ग्रीन बेल पेपर भी ले सकते हैं. उसके साथ मैंने कैरेट्स को ऐड किया है, गाजर ऐड की है, उसके बाद मैंने मटर ऐड किए हैं, ग्रीन मटर. उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया ऐड किया है ऊपर, सिलेंट्रो बहुत ही जरूरी, हर्ब्स बहुत जरूरी है आपके लिए, चाहे सिलेंट्रो है, चाहे तुलसी ऐड कर सकते हैं, मतलब बेसिल लीव्स फ्रेश बनने के बाद. क्रैनबेरीज थोड़ी सी ऐड की है, अगर नहीं है तो आप रेजन्स ले सकते हैं, सॉगी मतलब थोड़ी सी, और अनियन थोड़ा सा ऐड किया है. आप चाहे तो टोमेटोज भी ऐड कर सकते हैं ऊपर. एक और वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं जैसे पोटैटोस, आलू ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा अगर चाहे. इस मील के अंदर मैंने सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब हमने नमक नहीं ऐड किया. तो क्या किया हमने, हमने इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड किया है. गार्लिक पाउडर से आपको फ्लेवर मिलेगा. थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, एक चम्मच ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको हेल्दी फैट चाहिए, आपकी हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए फैट भी बहुत ही जरूरी है. अक्सर लोग इंडिया में क्या करते हैं, हम किस तरह से बनाते हैं, हम तेल में पहले तेल डालते हैं, तड़का लगाते हैं, अनियन अदरक डालने के बाद फिर हम सब्जियां का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन मेरा मॉडिफाइड वर्जन है, आपको मालूम है कि मैं चेंज, चीजें वही है लेकिन चेंज करता हूं ताकि हमें बेनिफिट मिले, चीजों को खराब ना करें हम. तो हमने क्या, मैंने क्या किया है, जब बन गई थी सब्जी 80% बनने के बाद, मैंने ऑयल उसके बाद ऐड किया है टॉप पर, और जस्ट ऑयल, आई डोंट नीड टू बर्न ऑयल ज्यादा टेम्परेचर में, वो नहीं करना, वो ट्रांस फैट बनेगी, बैड फैट बनेगी, नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट पार्ट, यू नो. थोड़ा सा चेंज करें अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने नॉन स्टिकी स्प्रे यूज किया पहले, मतलब ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया गया.
और जब सब्जियां 80% बन गई तब थोड़ा सा ऐड किया है। आप सेम तरह से ट्राई करें, मैं बता रहा हूँ बिग डिफरेंस। यही लाइफस्टाइल में अगर कुकिंग को थोड़ा चेंज करें, आप भी हेल्दी, आपकी फैमिली भी हेल्दी, आने वाली जनरेशन भी हेल्दी, क्योंकि किचन के अंदर ही सारा कुछ है और वहीं पर ही गड़बड़ी होती है। ओके, तो ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा टोफू, थोड़ा सा पनीर, बारीक सा पनीर चॉप करके ऐड कर सकते हैं। ऐसा बता रहा हूं जैसे मसल बिल्डिंग फैट लॉस मील्स नहीं है, ये मेडिकल कंडीशन बेस है। आपका वेट बैलेंस रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे अंदर से बाहर से, और दैट्स व्हाट दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। तो इस प्रोग्राम की जो सोडियम इनटेक है उसकी बात करते हैं। तो जो वेजिटेबल्स है उसके अंदर सोडियम नहीं है, किनवा के अंदर भी सोडियम नहीं है। तो जो सोडियम है वो सिर्फ गार्लिक के अंदर है थोड़ा सा, और किसी भी चीज के अंदर सोडियम ऑलमोस्ट नहीं है, थोड़ा सा क्रैनबेरी के अंदर होगा या रेजन के अंदर होगा, दैट्स इट। सो जो सोडियम इनटेक है इस मील की 250 मिलीग्राम है, जो कि हमारी बिलो द बेल्ट है। आपको मालूम है कि हम पर मील लगभग 300-450 के अंदर रख रहे हैं, तो यहां पर हमारी जो मील 250 मिलीग्राम है, विच इज परफेक्ट। पोटेशियम काफी है इसके अंदर, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर पोटेशियम काफी है, जैसे गाजर है, मटर है और बेल पेपर है, लॉट ऑफ पोटेशियम। तो ऑलमोस्ट 1200 मिलीग्राम पोटेशियम है, विच इज थम्स अप 3 times more, तो 3-4 times more, वही आपको चाहिए। पोटेशियम हमने ओवरऑल बैलेंस करना है, ज्यादा रखना है हमारे सोडियम से, आपको मैंने बताता आ रहा हूं जिस तरह से। और आप चाहें थोड़ा सा आलू ऐड कर सकते हैं और पोटेशियम आपको मिलेगा, लेकिन 1200 मिलीग्राम इस मील के अंदर द बेस्ट। चाहे तो आप आलू अपनी डिनर मील में ऐड कर सकते हैं, या वैसे अगर जरूरत नहीं है वैसे आलू को ऐड करने की, आलू बहुत लोग खाते हैं लेकिन कभी कभार ऐड कर सकते हैं। सो किनवा की जगह चीजें वही यूज करें आप वेजिटेबल्स। कल मतलब अगले दिन आप ब्राउन राइस में कुक करें, उसके अगले दिन आप ज्वार में कुक करें, उसके अगले दिन आप जो दलिया है घर के अंदर वहां कुक करें। सो उस तरह से आप बेस चेंज करते जाएं और आपका फ्लेवर चेंज होता जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, फ्लेवर आपका चेंज होता जाएगा और बेस चेंज करते जाएं, एंड यू गाइस विल लव इट। सो दिस इज अगेन सुपर लो सोडियम मील, इट्स अ परफेक्ट फॉर रेगुलर ब्लड शुगर लेवल, आपके नॉर्मल करने के लिए परफेक्ट है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है अगर आपको, तब भी परफेक्ट है। डायबिटीज की प्रॉब्लम है तब भी थम्स अप है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऑल टुगेदर है, दिस इज परफेक्ट मील फॉर यू गाइस। सो गाइस चेक आउट द न्यूट्रिशन PDF और देखें कितनी सोडियम इनटेक है हर एक फूड के अंदर और कितनी पोटेशियम है उसके अंदर, वही आपको ध्यान रखना है। और गाइस दिस इज गुरु मान, आई लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, ओवर एंड आउट, बाय।